जो है इसका सारा वो निकाल दिया और आप लोग पानी का जरा रंग देख सकते हैं कितना गंद निकला है सिर्फ अभी पायोडीन स्क्रब लगाने की वजह से। अब हम ले जी, एक दफ़ा फिर से हमारे साथ जो है वो नीलम मुनीर, जिसका आज हम मुझे जो नाम पसंद आया है मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। और इसको हम पहले डालेंगे खाना, और ये प्रॉपर तौर पे जो है वो मेबेल के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। इसके अलावा ये कुछ नहीं खाती, और इसकी जो हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा शायद। इसका स्ट्रक्चर, इसके टेल, इसकी हर चीज़ काफ़ी बेहतर होने शुरू हो गई है पहले से। चलें जी, खाना डालें आपको। चलें जी, हम इसको जो है वो लीड फूड जो है वो देते हैं थोड़ा सा, और ये प्रॉपर जो है सिर्फ यही खा रही है फिलहाल। लोग कहते हैं इसे साथ भी देने की कुछ ज़रूरत है, तो कुछ भी जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, और ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। थोड़ा थोड़ा इसे जो है वो आपने देना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा भी देंगे तो कैट को, अभी फ़िलहाल सिर्फ इसको जो है हम इतना ही देंगे, तकरीबन 30 to 50 grams के राउंड, 50 grams के राउंड है। और ये इसको दिन में हम 3 से 4 दफ़ा दे रहे हैं, और ये मैं यहाँ से इनफ है आप लोगों के सामने है। चलो खा लो, खाई खाई कर लो। ले जी, अपना खाना खा रही है। इसके बाद आज बताता हूँ आप लोगों को वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद क्या है, क्यों वीडियो बना रहे हैं आज। आज इसकी थोड़ी सी शामत आने वाली है, ये खाना खा ले फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद। और क्या हुआ आपको? मेरा नाम है साद, उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। हमारी जो है नीलम मुनीर भी ठीक है, और आप लोगों ने से नाम भी कुछ सजेस्ट किए थे उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। एक नाम काफ़ी अच्छा था, लाला रूप। अच्छा, वीडियो बनाने का जो आज मकसद है, इसको हमने नहलाना है क्योंकि काफ़ी गंदी हो चुकी है। मैंने आप लोगों को कहा था इसको हम बात देंगे, और आज इंशाल्लाह ज़रा बात देंगे। मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या एहतियात आप लोगों ने करनी है। पहले कुछ वीडियोस में जो एहतियात रह गई थी उस वीडियो में बताऊँगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम कुछ एक्सपीरियंस की हैं, मुझे लगता है कि वो आप लोगों को बतानी चाहिए। और जो है, हाँ जी, क्या हुआ? कहते हैं नहीं नहाना मैंने, लेकिन इसको हम नहलाएंगे, साफ़ करेंगे। तो सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को ग्रूमिंग सेक्शन के ऊपर से नहलाते हैं अपलोड रहेगा। ले जी, हम इसको ले आए हैं ग्रूमिंग करवाने के लिए। ग्रूमिंग करने से पहले याद रखें कि टेम्परेचर, अगर हो सके, अगर आपके घर में थर्मामीटर है डिजिटल, तो सर टेम्परेचर लाजमी चेक कर लें। वैसे भी चेक कर लें कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं खाना खाना तो नहीं छोड़ा हुआ। अगर कोई ऐसे साइन हो, कभी भी बीमार बिल्ली को नहीं नहलाना, या बीमारी से उठती हुई बिल्ली को कभी भी नहीं नहलाना। और एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम मैं भूल गया से बताना, और काफ़ी सारे केस ऐसे आए हैं जिनके बिल्लियों के कानों में इन्फेक्शन हुआ था, और इन्फेक्शन की इन्फेक्शन की रीज़न एक ये थी कि उन्होंने अपनी बिल्ली के कानों में पानी डाल दिया हुआ था। मैं तो बड़ी एहतियात करता हूँ, मैं कभी भी पानी नहीं जाने देता कानों के अंदर। अगर आप लोगों से एहतियात नहीं होती, सिंपली छोटी सी कॉटन लेके वो दोनों कानों में ज़्यादा अंदर नहीं, बाहर बाहर की तरफ डाल दें, ताकि जो है बिल्ली के कानों में पानी ना जाए और किसी भी किस्म का जो है वो इन्फेक्शन हो। याद रखिएगा, नहलाने से पहले मुँह की तरफ पानी नहीं जाना चाहिए, आँखों में, नाक में, कान में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले पानी हमने ले लिया हुआ है, और पानी में सबसे पहले इसको डिप करेंगे। और डिप करने के बाद ओए देखा, मुझे पता है शरारतें करेगी। डिप करने के बाद जो है पानी भी आप लोगों ने ज़रा ना मुनासिब लेना है, ना ज़रा ठंडा हो ना ज़रा गर्म। उसका फ़र्स्ट बात है मेरे ख्याल से ये, तो थोड़ा सा तो हेजिटेट फील करेगी ये। सबसे पहले आप लोगों ने इसको वेट करना है, हमेशा अच्छे से वेट कर लें, कहीं से भी ये ना हो कि वो पानी ना गया हो। वहाँ पर अगर आप शैम्पू मारेंगे तो शैम्पू से इतना काम नहीं करेगा, बाल ख़राब कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से वेट कर दी, मुंह के अलावा हर जगह इसकी वेट कर दी है। और अब हमेशा की तरह पायोडीन स्क्रब सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग इसको सिंपली पानी में भी डाल के जो है वो मिक्स कर सकते हैं, या सिंपली अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में निकालना भी होता है। इसको हमने थोड़ा सा पानी में भी डाल दिया, थोड़ा सा इसको जो है वो हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर देंगे। कुछ लोग समझते हैं जी इससे रंग जो है वो पीला होता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अच्छे से उतार दें, पानी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि किसी भी किस्म के अगर स्किन के ऊपर कोई जो है वो कोई जरासीम है तो वो उतर जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये फंगस का इलाज भी करता है, हाँ फंगस के ट्रीटमेंट में सपोर्टिव काम करता है, लेकिन प्रॉपर नहीं काम करता। ये आप लोग अगर इससे नहलाते रहेंगे, हो सकता है फंगस हो ही ना, या इस तरह ही कोई प्रॉब्लम जो है कैट को वो बिल्कुल भी ना हो। और ये भी इसको ऊपर बिठा दें, चलो अच्छे से जो है इसको आपने रब करना है, कि ये भी अपनी झाग बनाएगा।
लेकिन इसको हमने जो है वो अच्छे से लगाया था, उसके बाद हमने जो है इसका सारा वो निकाल दिया। और आप लोग पानी का ज़रा रंग देख सकते हैं कितना गंद निकला, सिर्फ अभी पायोडीन स्क्रब लगाने की वजह से। अब हम इसको दूसरा शैम्पू लगाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये वाला पानी जो हम वेस्ट करेंगे, साफ हमने इस वजह से किया था क्योंकि इसके अंदर भी जो था वो पायोडीन स्क्रब था। ये वाला वेस्ट करेंगे पानी और इसको शैम्पू लगाएंगे, उसके बाद जो है हम इसको दोबारा से इसको साफ़ करेंगे इसका दूसरा शैम्पू भी। तो अब हमने फिर शैम्पू लगाना, लोग अक्सर पूछते हैं यार कौन सा शैम्पू लगाएं, अगर आप लोगों को सिंपल बात देना है तो सिंपल शैम्पू चाहिए। शैम्पू लोकल हो, इंपोर्टेड हो, कोई भी हो, अच्छा होना चाहिए। आप जो 200-250 वाले शैम्पू लेते हैं ना, वो बेड़ागर करते हैं, और जो लोग घर के शैम्पू से नहलाते हैं ना, वो हमेशा ही होता है कि जब आप लोग अक्सर तो किसी शैम्पू से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कोई कोई शैम्पू ऐसा होता है ऐसा रिएक्शन करता है कि सारे बाल उतार देता है। यहाँ पर पावर कम्फर्ट भी है मेरे पास, किटन शैम्पू भी है बायोलाइन का, तो दोनों अच्छे हैं। किटन शैम्पू से इसको जो है वो हम नहला देते हैं बायोलाइन के। चलें जी, अब ये शैम्पू भी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लगाना, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादा लगाएंगे तो निकालना ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा आपने लोगों ने करके लगाना है, इसकी झाग भी बहुत अच्छी बनती है। ये आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा से जो है ना थोड़ा यूज़ किया करें शैम्पू, ज़्यादा यूज़ ना किया करें कैट्स के ऊपर। एक तो आपके पैसों की बचत होगी, दूसरा ये है कि ज़रूरत ही नहीं होती ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने की, जब आप खास तौर पर जब आप पायोडीन स्क्रब एक दफ़ा लगा देते हैं ना, उसके बाद वैसी ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने इतना सा शैम्पू लगाया है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पूरी उसने कवर कर दी है उसको। लें जी, इसका हमने शैम्पू जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निकाल दिया। अभी हमने इसको ड्राई करना है, ब्लो ड्राई करेंगे। उससे पहले इसको ज़रा टॉवल से, मैंने आपको पहले ही बताया था टॉवल हम सिर्फ लगाते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऊपर से ड्राई कर ले, उसके बाद जो है हम इसको ब्लो ड्राई करेंगे। इसको लेके चलते हैं क्लिनिक पर, इसको ब्लो ड्राई करते हैं। ले जी, इसको हम जो है वो हल्का 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 हाथ रख के जो है और इसको हम करेंगे टॉवल से ड्राई आराम आराम से। साइड चेंज कर लिया करें ताकि दूसरी साइड पर अगर भी पानी जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्व कर ले। बस इतना ही करेंगे, इसको हम ज़्यादा जो है वो उससे नहीं करेंगे। अभी तक आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमने इसके मुंह के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं जाने दिया, मुंह अभी तक ड्राई है इसका। चलें ले जी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हैवी ड्यूटी किस्म का जो है ना वो है, और इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको हम लो स्पीड पे चलाएंगे, इसके कानों के ऊपर मैंने इस वजह से रखा है, इसका शोर ज़्यादा होता है तो बिल्लियाँ काफ़ी घबरा जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं करवाती है नहीं करवाती है, करवाएगी तो 2 मिनट का काम है फिर जब इस ड्रायर का, और ये ड्राई हो जाएगी। चलें चलें जी, ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक ही सिर्फ 1 से 2 मिनट की गेम थी, 1 से 2 मिनट में काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। लेकिन हमने इसको प्रॉपर ड्राई करना है, हमने इसको छोड़ना नहीं है कहीं से भी, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमें क्योंकि ये कैट जो है ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रही, ज़्यादा घबराहट नहीं रही, और इसलिए ईजीली कैट जो है वो ग्रूम करवा रही है। ऑन करते हैं ज़रा इसको, बाकी भी हम करते हैं। ऊपर से तो ये काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुकी है, तो हमने इसको नीचे वाली साइड से ड्राई करना है। हमेशा याद रखें कि सारी जगह ड्राई किया करें, अगर ये कैट इजीली करवा लेते, अगर नहीं करवाती तो वो एक अलग इशू है क्योंकि कैट डर्टी होती है, हम ज़्यादा उनको स्ट्रेस नहीं दे सकते। तो अब नीचे वाली साइड से जो हम इनको करेंगे, लेकिन जी बिल्ली जो है हमारी माशाल्लाह से 4-5 मिनट मैक्सिमम लगे हैं ड्रायर के साथ, ड्राई हो चुकी है 99% ड्राई हो चुकी है। जो 99% के बाद 1% रह गया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह ड्राई हो जाएगी। इसको लाजमी ब्रश करना है आप लोगों ने, ड्राई करते हुए ब्रश करना है अगर आपकी बिल्ली बड़ी है, वरना उसमें भी जो है वो मैट्स बनना शुरू हो जाते हैं। लाजमी ब्रश करें अपनी कैट को। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो है वो नीलम मुनीर
असल वाली नीलम मुनीर के मुकाबले में आ चुकी है ना हाथ धो के। चलो जी अब इसकी आंख साफ करेंगे और इसको हम पाउडर लगाएंगे। ले जी इसको हम थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाएंगे, जहाँ जहाँ से ये ड्राई नहीं हुई थोड़ी सी वहाँ से भी हो जाएगी और जल्दी गंदी भी नहीं होगी। माशाल्लाह से खुशबू भी इसके अंदर से बहुत अच्छी आ रही है। ले जी हमारी बिल्ली जो है वो तैयार है, इसको मैं वापस लेके जाऊँगा और ये थोड़ी बहुत अपनी ग्रूमिंग खुद से भी करेगी इंशाल्लाह ताला, जो कहीं से अगर रहेगी वो कसर ही खुद ही पूरी करेगी और ग्रूमिंग करने की लत भी डालनी चाहिए कैट को। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। हाफिज़। इसका जो है ना चेहरा बन गया और ये नाराज़ हो गई है मेरे से, है ना नाराज़ नहीं होना।